आज हम इतने बिजी हो गए हैं कि खुद के लिए भी टाइम निकालना मुश्किल हो गया है, जिसका सीधा असर पड़ा है हमारे खान पान पर। बदलते दौर के साथ हम शॉर्टकट्स अपनाने लगे और मार्केट में अवेलेबल पैक्ड फूड आइटम्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि ये प्रिजर्व्ड फूड आइटम्स हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदायक हैं? आज की भागदौड़ की जिंदगी में आप देखेंगे कि हर आदमी पैक्ड फूड के लेने के चक्कर में रहता है और घर में बनाने के लिए वो हिचकिचाता रहता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसानी से हर शेल्फ में फूड बाज़ार में मिल जाती हैं। इनको पाना बहुत आसान है, मगर इसको खाने के हमें बहुत से नुकसान हो सकते हैं, जिसके बारे में आपको बताता हूँ। पैक्ड फूड जो है, इसमें हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि इसमें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। ज़्यादातर पैक्ड फूड में आप देखेंगे फास्फोरस और सोडियम ज़्यादा होता है, जो कि हमारे किडनी के पेशेंट के लिए बहुत हानिकारक होता है। फास्फोरस जो है वो ज़्यादा होने से किडनी जो वीक होती है वो अपना पूरी तरह से काम नहीं करती, और जो लोग होते हैं जिनको किडनी की बीमारी होती है उनके लिए नुकसानदायक और जानलेवा भी हो सकती है। जब सोडियम ज़्यादा होगा तो उसमें अपने आप को पानी अपनी तरफ रखेगा और शरीर में पानी भी ज़्यादा हो जाएगा, जो कि किडनी के लिए भारी पड़ेगा और किडनी उसको इतना फिल्टर नहीं कर सकेगी। ये किडनी ही नहीं, फिर हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट के लिए भी ख़राब रहेगा। तो ये मैं ये नहीं कह रहा है कि आप बिल्कुल ही फास्ट फूड को बंद कर दें, मगर उसको आप न्यूट्रलाइज नेचुरल फूड से भी करिएगा। ज़्यादातर जितना हो सके कम से कम पैक्ड फूड का इस्तेमाल करें, ताकि हमारी सेहत ठीक रहे। और एक और चीज़ है कि जो हमारे देश में पैक्ड फूड मिलते हैं उसमें अच्छी तरह से पूरा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता, जैसे कि उसमें फास्फोरस कितना है, सोडियम कितना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है और डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, जबकि बाहर के देशों में सब चीज़ें उपलब्ध हैं और जो भी लोग बाहर खरीदते हैं ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो हम मैं आपको ये भी एक याद दिलाऊंगा कि जब भी आप फास्ट फूड का पैकेट खरीदें उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये किस तारीख को बना है और इसकी एक्सपायरी कब है, ताकि हमें ये शरीर के लिए नुकसानदायक ना हो सके। जैसा कि मैंने बताया है कि ज़्यादा सोडियम और फास्फोरस से किडनी में इफ़ेक्ट पड़ता है, कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे कि पिकल्स है, चाइनीज़ फूड है और कर्ड मीट है, इनमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और जैसे अपने कोलाज हैं और जो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इसमें फास्फोरस की ज़्यादा मात्रा होती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक एडल्ट के लिए जो फास्फोरस चाहिए प्रतिदिन वो 700 मिलीग्राम के करीब चाहिए, और जो सॉल्ट है उसकी इनटेक 4 ग्राम के करीब होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हम लेंगे तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। पैक्ड फूड बिल्कुल भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, मगर जब हमें चाहिए मजबूरी में पैक्ड फूड खाना, तो हमें उसके एक्सपायरी डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसके कंटेंट्स के बारे में ज़रूर देख लेना चाहिए, ताकि हमें आगे किसी तरह का नुकसान ना हो सके।